हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर स्के रेखा शोरान सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट टू ऑफ चैप्टर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हु विल डू दिस वर्क हुए काम कौन करेगा तो एज यू हैव स्टडीड इन पार्ट वन जैसे कि आप पार्ट वन में पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो हमारी सोसाइटी को साफ रखते हैं लेकिन लोग उन्हें नीचा समझते हैं ऐसे काम को अच्छा नहीं समझते बट दीज पीपल डू ग्रेट जॉब्स ये पीपल अच्छा काम कर रहे हैं किसके लिए हमारे लिए नाउ लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट टू डू यू थिंक आपने सोचा है दैट एनी वन हैज एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन की किसी ने कभी भी इस सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचा हो इस सिचुएशन का मतलब कि कुछ ही लोग सफाई का, का काम क्यों करें या फिर उनको नीचा क्यों समझा जाता है अनटचेबल क्यों समझा जाता है अनटचेबल का मतलब होता है अछूत जिन्हें लोग छूना नहीं चाहते तो देखिए यस मैनी पीपल हैव ट्राइड है बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है पीपल आर ट्राइंग इवन टूडे कुछ लोग आज भी ट्राई कर रहे हैं बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस लेकिन इसे बदलना इतना आसान नहीं है वन सच पर्सन महात्मा गांधी एक ऐसे ही इंसान थे महात्मा गांधी गांधी जी के बारे में सबने सुना ही होगा गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई गांधी जी के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी महादेव भाई जी का जो बेटा था वो भी गांधी जी के साथ उनके आश्रम में ही रहता था ही यंग जब वो छोटा था दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण बुक तो महादेव भाई जी के बेटे का नाम क्या था नारायण और ये जो घटना अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो नारायण की बुक में से ही ली हुई है ठीक है सो ही इज महात्मा गांधी एंड ही इज महादेव भाई जो उनके मित्र थे दोस्त थे एंड नारायण ये नारायण था जो डेली गांधी जी के साथ उनके वॉक पर जाया करता था ठीक है अब जो नारायण है यानी कि गांधी जी इनको बुलाते थे बाबला बहुत ही बूढ़े हो चुके थे अपने अंतिम क्षणों में वो कुछ इस तरह दिखाई देते थे अब 2015 में उनकी मृत्यु हो चुकी है ठीक है तो चलिए इनकी बुक का एक इंसिडेंट एक घटना हम पढ़ते हैं रिमेम्बरिंग डेज उन दिनों को याद करते हुए when नारायण या बाबला वाज अबाउट 11 इयर्स ओल्ड कितने साल के थे बाबला 11 साल के ही वाज स्टेइंग इन गांधीजी साबरमती आश्रम वो गांधीजी के साथ साबरमती आश्रम में ही रहते थे लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम औरों की तरह ही आश्रम में ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क उसे भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे

ठीक है और नीचे एक टोकरी रख दी जाती थी बास्केट मतलब टोकरी पीपल सेट ऑन द होल्स लोग होल्स पर बैठते थे लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाई हैंड टू बी एम्पटेड और उसके बाद उन बास्केट या टोकरियों को कहाँ पर हाथ से उठा कर ले जाते थे और खाली किया जाता था एक पर्टिकुलर जगह पे। इट वॉज अ यूजल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी उन दिनों में एक यूजल प्रैक्टिस थी मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक जाति के लोग ही ऐसा काम करते थे वो डू दिस वर्क बट इन गांधी जी आश्रम लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू टू कैरी द द बास्केट कंपोस्ट पिट हर एक इंसान को अपनी बास्केट खुद ले जानी पड़ती थी और उसे कंपोस्ट पिट में खाली करना होता था एंड एम्पटी मतलब अः uh, किसी गड्ढे में जाकर डाल देते थे और वहां पर वो खत्म हो जाता था नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क किसी को भी इसके लिए बहाना नहीं करना होता था नॉट इवन द गेस्ट यहाँ तक कि मेहमानों को भी नहीं नारायण भाई रिमेम्बर्स नारायण भाई याद करते हुए कहते हैं हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई द ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क कि कुछ लोग इस काम से बचने की कोशिश करते रहते थे सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस और कुछ लोगों ने इस काम को करने की वजह से आश्रम भी छोड़ दिया था समय लेटर कुछ सालों के बाद गांधी जी टू स्टे एट अ विलेज गांधी जी एक गांव में ठहरने के लिए गए नियर वर्धा इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वर्धा के पास था वो गाँव महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज महादेव भाई और दूसरे लोगों ने विलेज के टॉयलेट्स को साफ करना शुरू किया दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स उन्होंने कुछ महीनों के लिए काम किया वन मॉर्निंग एक सुबह ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट एक आदमी जो टॉयलेट से आ रहा था सा महादेव भाई उन्होंने महादेव भाई को देखा ही पॉइंटेड

ही गांधी जी उन्होंने गांधी जी से पूछा दिस सो क्यों किया गांधी जी रिप्लाइड गांधी जी ने कहा अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर कहाबिलिटी छुआछूत अछूत कहते हैं ना इन लोगों को जिनको कोई छूता नहीं है ये बहुत ही सीरियस मैटर है लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें इस स्थिति को बदलने के लिए नारायण न्यू दैट नारायण जानता था पीपल हु यूजली डिड दिस वर्कॉट टू बी अनटचेबल जो लोग ये काम करते हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं कि वो अनटचेबल अछूत है अछूत का मतलब उन्हें कोई छूना नहीं चाहता वट इज दूस ऑफ यूज इफ दिलेज पीपल डो नॉट चेंज दिसंकिंग क्या हमारा ये सब काम करने का क्या फायदा अगर लोग अपनी मानसिकता या अपनी दिमाग को चेंज ही नहीं करना चाहते दे है वर्क फॉर दैम वो यूज टू हो गए हैं मतलब उनको ये लगने लगा है कि उनका ये काम कोई और ही करेगा जैसे कि आपने पढ़ा कि गांधी जी और उनकी टीम टॉयलेट्स को साफ करती थी तो गांव वालों को ये लगने लगा था कि ये लोग ही टॉयलेट्स को साफ करेंगे गांधी जी रिप्लाइड गांधी जी ने उत्तर दिया वाई क्यों डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट क्या तुम ये नहीं सोचते कि जो लोग सफाई करते हैं उन्हें भी इससे फायदा है दे ऑल्सो लर्न अ लेसन उन्हें भी एक लेसन सीखने को मिला टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल कि अगर हम कुछ सीखते हैं तो उससे हमें कुछ नया शिक्षण ही मिलता है नई शिक्षा ही मिलती है इवन इट इफ इट इज अ क्लीनिंग जॉब यहाँ तक कि चाहे वो क्लीनिंग जॉब ही क्यों ना हो लिटल नारायण वॉज नॉट कन्विंस लिटल नारायण तो मतलब छोटा नारायण था तो वो कन्विंस नहीं हुआ उनकी बातों से ही अगेन आर्ग्यू और उसने फिर से बहस करना शुरू किया दोजू मेक अ प्लेस डॉ इस जगह को गंदा करते हैं बट डू नॉट क्लीन और उसे साफ नहीं करते गांधी जी एंड नारायणिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस गांधी जी और नारायण इसके बारे में बहस करते रहे बट वेन ही ग्रू अप लेकिन जब नारायण बड़ा हो गया ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी उस उन्होंने हमेशा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो किया तो ये तो थी एक छोटा सा घटनाक्रम छोटा सा इंसिडेंट जो नारायण भाई देसाई की बुक में से लिया गया है कि किस तरह से लोग अपना जो कचरा है या अपना जो वेस्ट है उसे भी साफ नहीं करते थे उसको साफ करने के लिए भी वो सोचते थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही जो है उस कचरे को साफ करेंगे तो ऐसी मानसिकता होती थी आजकल तो हमारे टॉयलेट्स जो हैं थोड़े मॉडर्न हो गए हैं तो कोई इन्हें साफ़ नहीं करता हम खुद अपनी सफाई कर लेते हैं ठीक है लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत ही गंदा काम होता था और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या एक जाति के लोग ही इस काम को करते थे तो चलिए आगे देखते हैं

लोगों की मानसिकता बदल सके लोगों का दिमाग बदल सके ही वॉन्टेड पीपल टू रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब वो चाहते थे कि लोग उन लोगों का भी सम्मान करें जो छोटा काम करते हैं ही वॉन्टेड दैट वो चाहते थे पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट अ पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मैंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट वो चाहते थे कि लोग ये समझें कि या लोगों को ये समझाना चाहते थे कि एक पर्टिकुलर कास्ट के के लिए लिए कि एक पर्टिकुलर जाति ही जॉब नहीं है सभी को अपना काम खुद करना चाहिए आई होप आपको भी गांधी जी की बात समझ में आ गई होगी रिलेटेड तो हैं।, है हैं पहला क्वेश्चन है टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस आपके घर में क्या है टॉयलेट अरेंजमेंट वेयर इज द टॉयलेट करता है देर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस अटैच टू room. हर रूम के साथ टॉयलेट होते हैं आजकल इट इज अ मॉडर्न स्टाइल टॉयलेट flush अटैच टू इट मॉडर्न स्टाइल का टॉयलेट है और इसके साथ फ्लश भी अटैच होता है द टॉयलेट इज इन साइड द हाउस टॉयलेट घर के अंदर है एवरी member ऑफ माई फैमिली cleans द टॉयलेट और घर का हर इंसान टॉयलेट क्लीन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ the द मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव बाई कि वो आदमी जो टॉयलेट से बाहर आया था उसने महादेव भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया या कैसा व्यवहार किया ये पूछा गया है एंड व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस और ऐसा उसने क्यों किया द मैन बिहेव विद महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे उसने जो व्यवहार किया वो उनकी इंसल्ट करना चाहता था मतलब उनकी बेइज्जती करने के चक्कर में उसने उससे ऐसा व्यवहार किया ही डिड सो उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन वो ये सोचता था दैट क्लीनिंग टॉयलेट इज अ डर्टी जॉब कि टॉयलेट साफ करना बहुत ही गंदी जॉब है गंदा काम है एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल्स और वो लोग जो ये काम करते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं मतलब अछूत होते हैं हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दो पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन राइट लोग ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो टॉयलेट और ड्रेन्स साफ करते हैं मतलब टॉयलेट्स को और नालों को साफ करते हैं लोग उनके साथ यूजुअली कैसा व्यवहार करते हैं पीपल जनरली बिहेव वेरी बैडली लोग उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं विद दो टॉयलेट्स एंड ब्रेन पीपल कंसिडर दैम लोग ये सोचते हैं एज अनटचेबल कि वो अनटचेबल हैं अछूत हैं पीपल अवॉइड टॉकिंग टू दोस्ट टॉयलेट और लोग उनसे बात तक नहीं करना चाहते जो टॉयलेट और ड्रेन्स को साफ करते हैं नालों को और टॉयलेट्स को साफ करते हैं लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते तो आपने देखा कि लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते क्या आप आप तो बच्चे हो वैसे लेकिन क्या आपकी भी ऐसी ही मानसिकता है आपको चैप्टर पढ़ के समझ में आ गया होगा ना कि ये लोग हमारे लिए अच्छा काम करते हैं हमारे लिए सफाई का काम करते हैं और आजकल के टाइम में तो सभी साफ सफाई रखते हैं सभी साबुन से हाथ धो लेते हैं या नहा लेते हैं बट उनकी ये एक जॉब होती है ठीक है कि उनको गरीबी की वजह से काम करना पड़ता है ए चाइल्डहुड स्टोरी एक बचपन की स्टोरी देख लेते हैं ये भी एक महान आदमी की स्टोरी है ठीक है तो बाद में बताएंगे किसकी हैं। आई होप आपको पता भी लग जाएगा स्टोरी पढ़ते पढ़ते दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट अ हंड्रेड ईयर्स ओल्ड ये स्टोरी लगभग सौ साल पुरानी है सेवन ईयर ओल्ड भीम वेंट टू गोरे गाँव इन महाराष्ट्र सात साल का भीम महाराष्ट्र के गोरे गाँव गया था विद हिज फादर अपने पिता के साथ टू स्पेंड हिज हॉलीडेज अपनी छुट्टियाँ बिताने ही सा उसने देखा ए बार्बर बार्बर क्या होता है नाई बाल काटने वाला

अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरा रेजर और मैं दोनों ही गंदे हो जाएंगे तो भीमराव अंबेडकर ने क्या जवाब दिया ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर देन कटिंग एन एनिमल हेयर वंडर लिटिल भीम तो जो छोटा सा भीम था उसने क्या कहा कि एक एनिमल के बाल काटने से तुम्हारा रेजर गंदा नहीं होता जबकि एक ह्यूमन इंसान के बाल काटने से तुम गंदे हो जाओगे लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीम राव अम्बेडकर भीम राव बाबा साहब अम्बेडकर बाद में ये जो छोटा सा भीम था वो किस नाम से जाना गया भीम राव बाबा साहब अम्बेडकर वर्ल्ड और पूरे विश्व में वो बहुत ही फेमस हुई बाबा साहेब फॉर्ड फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम और उनके जैसे लोगों के लिए उन्होंने न्याय उनके लिए न्याय मांगने के लिए उन्होंने बहुत ही लड़ाई की उनके जैसे लोगों का मतलब जो नीची जात के लोग होते थे आफ्टर इंडियाज फ्रीडम भारत की स्वतंत्रता के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा संविधान बाबा साहब की लीडरशिप में हमारा संविधान तैयार हुआ और बाबा साहब को ही हमारे संविधान का रचयिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही अलग अलग जगहों से हमारे अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके हमारे संविधान में डाला एंड ही इज बाबा साहब अम्बेडकर ये हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर नाव हेयर इज अ कॉन्वर्सेशन इन द स्कूल ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है मतलब बातचीत है द रियलिटी टूडे आज की जो रियालिटी है उसके बारे में बात हो रही है एंड इट इज एन इंटरव्यू ये एक इंटरव्यू है दो बच्चियों के साथ जो लिया गया है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी होती है वो फिल्म जो डायरेक्ट शूट की जाती है डायरेक्ट का मतलब की आप कहीं पर जाओ किसी गाँव में जाओ या कहीं ऐसी किसी जगह और आप उन लोगों से बातचीत करते हो तो उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है तो चलिए पहले हेतल से बात करते हैं हेतल कहती है आई एम हेतल मैं हेतल हूँ एंड दिस इज मीना ये मीना है वी बोथ स्टडी इन क्लास थ्री हम दोनों क्लास थ्री में पढ़ते हैं मतलब तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया वॉट ऑल डू यू डू इन स्कूल तुम स्कूल में क्या क्या करते हो मीना कहती है वी क्लीन द ग्राउंड हम ग्राउंड साफ करते हैं क्वेश्चन डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन क्या सभी बच्चे सफाई करते हैं हेतल नो नॉट ऑल नहीं सभी नहीं मीना कहती है वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स हमें एक टॉयलेट्स को भी साफ करना पड़ता है वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज हम अलग अलग दिन पर ये करते हैं आई क्लीन ऑन मंडे मैं मंडे को करती हूँ शी डज ऑन ड्यूजडे वो ट्यूजडे को, को करती है एंड शी ऑन टू वेनसडे और वो वेनसडे को करती है ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस हमारी कम्युनिटी हमारी जाति के सभी बच्चों को ये काम करना पड़ता है हेतल वी हैव टू कैरी ट्वेंटी बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस हमें हर रोज इस काम के लिए बीस बाल्टी पानी लेकर आना पड़ता है we have to sweep and wash. हम फर्श को साफ करते हैं और धोते हैं और साफ करते हैं सिर्फ सिर्फ तुम ही क्यों? क्यों बाकी सब बच्चे नहीं? Only we have to. सिर्फ हमें ही करना पड़ता है इफ वी डोंट अगर हम नहीं करते वी गेट बीटन हमें पीटा जाता है तो ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से या इनके इंटरव्यू से आपको क्या पता लगा कि आज की स्थिति भी ऐसी ही है कि जो ए, इन कम्युनिटी के लोग होते हैं नीचे जाति के लोग होते हैं उन्हें ही काम करना पड़ता है बाकी जो रिच चिल्ड्रन होते हैं वो ये काम नहीं करते या फिर बड़े घरों के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं इन बच्चों को पीट देते हैं या फिर इनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं वो उनकी मेंटेलिटी या मानसिकता भी ऐसी ही होती है कि इसी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो हमारी सफाई करेंगे जबकि होना क्या चाहिए सभी बच्चों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए आप सभी क्या कर सकते हो इनकी हेल्प कर सकते हो अगर आप गंदगी ना फैलाओ तो है ना तो चलिए आगे देख लेते हैं देर इज अ भजन गांधी जी फेवरेट सॉन्ग गांधी जी का फेवरेट या भजन गिवन पर दिया हुआ गुजराती। ये भजन गुजराती में है ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स अपने बड़ों से आप इन लाइन्स का मतलब जानने की कोशिश कीजिए थिंक अबाउट दीज लाइन्स तो लाइन्स क्या है वैष्णव जे पर पराई जाने रे पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे तो इन लाइन का मतलब है वैष्णव जन वैष्णव जन वो लोग होते हैं जो विष्णु के डिवोटी होते हैं मतलब भगवान की पूजा करते हैं ठीक है वो लोग पराई पीढ़ जानते हैं पराई पीढ़ का मतलब लोग दूसरे लोगों का दुख समझते हैं ठीक है और जो लोग दूसरे लोगों का दुख समझते हैं उनमें अभिमान नहीं आता ठीक है वो अहंकारी नहीं होते हैं और दूसरों का अपमान भी नहीं करते हैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड इट इज कम्प्लीटेड यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है complete we'll meet again with new chapters with chapter 17. Till then Baba students if you have any doubt or any complaint or any question then you can write in the comment box. Okay. Baba students